Hello and welcome to your own channel Lifeline. Here we learn self-grooming to live happily in our lives. One English author, Douglas MacArthur, said, "Youth is not entirely a time of life, but it's a state of mind." मतलब जवान रहना या युवा रहना एक समय नहीं होता है जिंदगी का, बल्कि एक सोच होती है, the perception that shapes our attitude, which ultimately gets reflected through our behavior, but how happy we are because we feel that we are young. Fair enough. आज हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, टू मेल्स एंड वन फोन कॉल. एक मेल आया हुआ है हमारे पास जिसमें यह कहा गया है कि भाई साहब सेल्फ ग्रूमिंग सिखाइए हमें. तो उनको बता दें और सभी व्यूअर्स को भी बता दें कि हम सेल्फ ग्रूमिंग ही सीख रहे हैं एंड इट्स इवॉल्विंग. ऐसा नहीं होता है कि आओ तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग सिखा दे, यहां बैठो ये करके, ठीक है कल से ये करना. इट्स नॉट लाइक दैट. सेल्फ ग्रूमिंग इवॉल्व होता है अपने सोच से. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ न्यू परसेप्शन, अ चेंज्ड परसेप्शन, विच विल अल्टीमेटली लीड अस टू सेल्फ ग्रूमिंग. ये ऐसा नहीं कि आज हो गया तो जिंदगी भर चलता रहेगा, ये हमेशा करते रहना है और ये डोज जो है हमेशा लाइफलाइन की तरफ से आप लोगों के पास आता रहेगा. सेकेंड हमारे पास एक मेल आया है और थर्ड जो हमारे पास फोन कॉल आया था, इन दोनों में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है. वन लेडी हु गॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर परेशान है और दुखी है, और वो कहती है कि हम कैसे खुश रहें. और दूसरा है एक शादी हुई लगभग साल भर पहले एक लेडी की, शी राइट्स इन हर ईमेल कि मुझे लगता है दिन भर मेरी मॉनिटरिंग होती है, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैंने कितनी बार सांसें ली है पूरे दिन में. जस्ट सी द कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स, सो शी इज अनहैप्पी. सो द फर्स्ट लेडी सेज, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को संवारूं. तो उनके लिए हमारा ये सजेशन है, मैडम जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है दोबारा अपने जिंदगी को संवारने के लिए जैसा आप चाहती है वैसा, तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दें. अपने जिंदगी को अपने हिसाब से और अच्छा संवारे, अच्छा बनाए, ये आपको मौका मिला है. जो खुशियां आपको नहीं मिली होगी उसको आप हासिल करने की कोशिश करिए, जो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई होगी उसको पूरा करने की कोशिश करिए, जो काम आप नहीं कर पाए होंगे उसको पूरा करिए, और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे आगे बढ़ाइए, उसको खुश रखिए. ऐसा नहीं कि जिंदगी में शादी ही लास्ट रिसोर्ट है और तभी हमारा जीवन एकदम सेट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अकेले होकर के बुलंदियों पे हैं. और एक बात बताएं आप लोगों को कि किसी भी एजुकेटेड सोसाइटी में लोग ना बहुत अकेले होते 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 जाते हैं. एंड दैट्स द रीजन दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग एंड लाइफ लाइन हैज कम अप इन यूरोप, बिकॉज पीपल ओवर देयर आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर मोर कस्टमाइज्ड. मतलब जितना हम लोग एजुकेटेड होते जाते हैं उतना ही हमारा लाइफ कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड होते होते जाते हैं, हमारा बहुत कुछ अपना, तब हमें मैचिंग करने में मुश्किल होती है. एंड दैट्स द रीजन उस देश में जो है लोग लिविंग करते हैं और फिर सालों रहने के बाद जो है शादी करते हैं, या फिर इफ दे फील दैट दे वांट टू गेट मैरिड वो क्या करते हैं. जैसे दूसरा जो हमारे पास फोन कॉल आया है जिनकी जिनका शादी के बाद मॉनिटर होता है, सो इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट विच दे आर नॉट एबल टू परस्यू. आई वुड से एक उदाहरण देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में व्हेन टू पीपल फील दैट दे वांट टू गेट मैरिड व्हाट दे डू, They go to a counselor, a different one. लड़की एक काउंसलर के पास जाती है, लड़का एक काउंसलर के पास जाता है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को काउंसलर कहा जाता है.
और दोनों काउंसलर से ये पूछते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, प्लीज टेल मी एम आई रेडी। तो काउंसलर उनको काफी सारे साइकोमेटिक टेस्ट वगैरह करके फिर बताते हैं कि हाँ आप रेडी हैं, सर्टिफाई करते हैं ऑफिशियली, देन दे गो एंड गेट मैरिड। अगर वो बोलते हैं कि नहीं यू आर नॉट रेडी फॉर अ मैरिज, मतलब वहां पे लव इज ए फीलिंग बट मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, अ सोशल इंस्टीट्यूशन जहां पे एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो व्हाट दे डू, दे गेट ट्रेन, द काउंसलर सेज आई विल ट्रेन यू अप टू गेट मैरिड, मैं आपको ट्रेन करूंगा ताकि आप उनके साथ एडजस्ट हो। तो दोनों के साइकोलॉजिस्ट जब सर्टिफाई करते हैं कि यू आर रेडी नाउ टू गेट मैरिड, कभी वो सर्टिफाई करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 6 months, कभी 1 year, कभी 2 years, इसके बाद वो शादी करते हैं, तब जाके उनकी शादी सक्सेसफुल होती है। सी हाउ सीरियस दे आर अबाउट देयर मैरिज। हमारे यहाँ एक सर्टेन एज आ गया तो भैया शादी कर लो, या फिर जैसे ही हम स्कूल छोड़ के कॉलेज में पहुंचे भैया किसी को दोस्त बना लो या उसके साथ प्यार कर लो और फिर शादी कर लो, एडजस्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं। कहीं कहीं तो कास्ट होना जाता है, वो मेरे कास्ट का है, चलो ये लड़का अच्छा है, ऐसे नहीं होता है। एंड इट्स ऑब्वियस, ऐसा नहीं कि आप में कुछ गलती है इसलिए डिवोर्स हो गया, या आप में कुछ गलती है इसलिए हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ नहीं बन रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ओनली द मैटर ऑफ एडजस्टमेंट एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर एटीट्यूड व्हिच इज शेप्ड बाय आवर परसेप्शन। हमारी सोच, हमारा एजुकेशन हमारा सोच बनाता है, सोच जो है रवैया बनाता है, और रवैया हमारा बर्ताव में दिखता है। तो अल्टीमेटली इट्स द परसेप्शन, सो वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन फर्स्ट टुवर्ड्स आवर लाइफ, देन पॉजिटिव परसेप्शन टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप। एक बताएं, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी दुनिया का जिससे बड़े बड़े लोग निकले हैं, कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, कुछ करोड़पति बने जो दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति निकले अल्टीमेटली, कुछ बड़े हॉलीवुड के स्टार्स निकले, कुछ और सेलिब्रिटीज बने। तो वो यूनिवर्सिटी कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था और उन सारे एलुमनीज को और उनके स्पाउस को जाके पूछ रहा था कि आप लोग खुश हैं जिंदगी से। तो अल्टीमेटली ये देखने को मिला, इवन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन चुका था या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा धनी आदमी बन चुका था, उसने भी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, ऑलमोस्ट एट द एंड रादर, ये माना कि हम लोग बहुत खुश नहीं हैं। तब जब उनसे पूछा गया कि वो क्या करते, वो क्या है जो आप करते या नहीं करते, तो आप खुश रहते थे, दिल से जब हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, हमें चाहिए था हम खुशी के पीछे भागे, पैसे के पीछे नहीं, और हमने अपना कोई भी पैशन परसू नहीं किया, सोचते रह गए केवल कि आगे जाके करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद करेंगे, अगले साल से करेंगे, और फिर वो दिन कभी नहीं आया। काश हमें वो दिन वापस मिल जाता और हम अपने पैशन को परसू करते और वो सब कुछ करते जिससे हमें केवल खुशी मिलती है, छोटी छोटी, पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं। और उसमें ये देखा गया है रिसर्च में कि जिन लोगों ने अपने रिलेशंस ठीक रखे वो लोग जिंदगी में खुश थे। तो हमें अपने रिलेशंस के बारे में भी सोचना है। एक उदाहरण देता हूं, कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है कि आपने किसी को फोन किया बहुत दिनों बाद, लेकिन उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो आपके घर वाले ही बोलते होंगे तुम्हें क्या पड़ी है फोन करने की, उसको कोई चिंता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ रिलेशन रखने की। तो यहां मैं कॉन्ट्रेडिक्ट करूंगा, इट्स योर रिक्वायरमेंट, योर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट विद समवन, बिकॉज वो आपके पुराने दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे या उनके साथ जीवन के आपने कुछ अच्छे पल बिताए होंगे, तो उनके साथ आपको बातें करके आपको अच्छा लगता है, उसको भले ही अच्छा नहीं लगे क्योंकि ये सोच उसमें नहीं है। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हाँ उसको अच्छा नहीं लगा मैं नहीं करूंगा या मेरी क्या जरूरत पड़ी है, भाई साहब जरूरत पड़ी है। इट्स योर रिक्वायरमेंट टू कीप योर रिलेशंस इंटैक्ट, उसमें अगर आपको खुशी मिलती है तो वो सारी चीजें जिनसे हमें खुशी मिलती है वो हम करेंगे। तो इन हमारे दोनों लेडीज के लिए है, एक कि शादी इज नॉट द लास्ट रिसोर्ट, और अगर शादी आपने कर ही लिया तो उसको निभाना भी जरूरी है। अगर आपके हस्बैंड्स आपके हर सांसें मॉनिटर करते हैं तो उनसे बात करिए, बिकॉज यू आर एन एडुकेटेड पर्सन, टॉक टू हिम एंड सेटल डाउन द मैटर। और दूसरी लेडीज के लिए जो अकेली हो गई है, तो मैडम अकेले में
आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, तो ये आपके लिए एक मौका है जिंदगी को फिर से संवारने का। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे किसी की सहारा चाहिए, तो फिर आपको दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बट अगेन आज सजेशन विल बी कि अपने जीवन को खुद ही सजाइए, खुद ही संवारिए, किसी के सपोर्ट लेकर के नहीं। जैसे ही आप सपोर्ट लेंगे, दैट फेलो विल बी डोमिनेटिंग इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो यह मौका है अपने आप को साबित करने का कि यस आई कैन डू इट ऑन माई ओन, आई कैन लीड माई लाइफ बेटर ऑन माई ओन। गो अहेड, डू इट। लाइफ लाइन आपके साथ है। The strongest women are the ones who love without boundaries, that cry behind closed doors, and that fight battles that no one knows they've ever fought. So far, so good. So, अंततः हमें आज के लिए इजाजत दीजिए। लाइफलाइन हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। और जाते जाते एक शायरी तो बनता है, मोटिवेटिंग शायरी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जीत हो तो जिंदगी हमें हरा नहीं सकती। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर इन लाइफलाइन, विश यू अ वेरी गुड संडे एंड अ वेरी हैप्पी वीक अहेड। थैंक यू।